खैर यूं तो राजनीति के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन पूर्व होने के बाद भी आपको मंच पर मौका जरूर मिलता है, और बस यही मौका होता है जब आप मंच से अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, अपने दर्द बयां कर सकते हैं, दुश्मनों को खरी खरी सुना सकते हैं, अगर किसी पर तंज कसना हो तो वो भी कस सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। आज राजस्थान की महारानी, भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे के बारे में बताएंगे। मौका था बिरला सभागार के अंदर ओम प्रकाश माथुर, जो सिक्किम के राज्यपाल बने हैं, राजस्थान के कद्दावर नेता रहे हैं, वो सिक्किम के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार राजस्थान आए थे। अभिनंदन समारोह था। ऐसे मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिरला सभागार के अंदर मंच पर मौजूद थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हंसाया इस मंच पर तो वो थे मदन राठौड़, और सबसे ज़्यादा अगर किसी के बयानों की चर्चा हुई तो वो हुई महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया की। दरअसल जब वसुंधरा राजे सिंधिया मंच पर आई तो सबसे पहले तो उन्होंने उन पर पलटवार किया जिन वक्ताओं ने पहले बोला और महारानी पर तंज कसे। घनश्याम तिवाड़ी को महारानी ने सुनाया, क्योंकि घनश्याम तिवाड़ी जब बोलने लगे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा और वसुंधरा राजे का जो रिश्ता है वो रिश्ता आम रस की तरह है, कुछ खट्टा है कुछ मीठा है। क्या पता वो किस तरीके के तंज महारानी की तरफ कस रहे थे, लेकिन जब महारानी आई तो सबसे पहले उन्हीं को सुना डाला। कहा कि मैंने तो ऐसी डिस्क्रिप्शन पहली बार सुनी है आम रस की, लेकिन हाँ पुरानी जो है, पुराना दोस्ती है, पुराने लोग हैं, तो शायद अब दिमाग में से कुछ याद आ रहा होगा इसलिए बोल रहे होंगे। उसके बाद वो सीधी लौटती हैं मदन राठौड़ के ऊपर और मदन राठौड़ से कहती हैं कि आपने पूरे काम रात ही रात के गिनवा डाले, अब हम उम्मीद करते हैं कि अब सारे काम दिन के होने चाहिए। ये बात अलग है, लेकिन महारानी ने एक दो लाइनें ऐसी बोली जिसके बाद जमकर महारानी वायरल हो रही हैं, और जमकर महारानी के इस बयान के बाद उनकी चर्चा होने लगी है। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर पीतल की लौंग मिल जाए तो वो अपने आप को सर्राफ समझ बैठते हैं। वसुंधरा राजे ने किसे सर्राफ कहा, आखिर कौन है जिसे पीतल की लौंग मिल गई? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये तंज भजनलाल शर्मा पर हो सकता है कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री के लिए नहीं कहा गया तो किसके लिए? क्या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के ऊपर ये तंज था? क्या मदन राठौड़ के ऊपर ये तंज था? ये तो बीजेपी के लोग बताएंगे या फिर वसुंधरा राजे बताएगी, लेकिन पीतल की लौंग मिलने के बाद अपने आप को सर्राफ समझना, अपने आप को सुनार समझना, अपने आप को बड़ा सोने का व्यापारी समझना, इस तरीके का डायलॉग जो है वो मंच से महारानी ने दिया है, और उसके बाद चारों तरफ इस डायलॉग की जो है वो अब चर्चा होने लगी है। उसके बाद महारानी कहती है कि भले उड़ान आप आसमां की रखो, लेकिन पैर आपके ज़मीन पर होने चाहिए। ये तंज किस पर था पता नहीं, लेकिन महारानी ने ये कहा तो शायद अब वो अपने आप के बारे में बता रही होंगी कि मेरे पैर हमेशा ज़मीन पर रहते हैं। क्योंकि मदन राठौड़ का जब पदभार ग्रहण समारोह था उस दिन भी उन्होंने मद पद और कद की परिभाषा बताई थी, और उसके बाद इस परिभाषा के बाद जमकर वो वायरल हुई थी, हर तरफ उनके इस बयान की चर्चा होने लगी थी। तो अब बिरला सभागार के अंदर ओम माथुर जब सिक्किम से जो है वो राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान लौटे तो मंच पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे, मदन राठौड़, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो चाहे सीपी जोशी हों, अशोक परनामी हों, राजेंद्र राठौड़ मंच पर थे, दिया कुमारी थी, प्रेमचंद बैरवा थे, बहुत सारे बीजेपी के बड़े तमाम नेता वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा हुई तो वसुंधरा राजे सिंधिया की हुई। लेकिन इस पूरे मंच पर से वसुंधरा राजे ने बोला, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने बोला राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के पद को लेकर महारानी ने कहा कि यह कोई छोटा पद नहीं होता है, कुछ लोग इसे रबर स्टैंप के रूप में समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, राज्यपाल का बहुत बड़ा पद होता है। कुल मिलाकर वो अपने भाषण में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो राज्यपाल की चर्चा कर रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे इतना लंबा बोली हैं और वो राज्यपाल पर बोली हैं तो शायद वो खुद अब मान चुकी हैं कि ठीक है मैं राज्यपाल के लिए भी एग्री हूँ, लेकिन अब बीजेपी आला कमान इसको लेकर एग्री है या नहीं वो अंदर की बात है।
लेकिन वसुंधरा राज अभी फिलहाल खूब सुर्खियों में है, इस बयान को लेकर सुर्खियों में है कि आखिर वसुंधरा राज ने ये तंज किस पर कसे हैं, किसको कहा है कि पीतल की लौंग मिल गई और अपने आप को सर्राफ समझकर बैठे। जैसे ही वसुंधरा राज ने मंच से ये बात बोली, सब नेता टकटकी लगाकर वसुंधरा राज को देखने लग गए और उसके बाद ये अनुमान लगाने लग गए कि ये किसको बोल रही हैं। घनश्याम तिवाड़ी को उन्होंने सुनाया, मदन राठौड़ को उन्होंने जो है वो बताया कि आप रात ही रात की बात कर रहे थे। उसके बाद वो राजेंद्र राठौड़ पर आ जाती हैं। राजेंद्र राठौड़ और उनके बीच भी जो है वो इशारों में बातचीत होती है। मंच का संचालन कर रहे थे राजेंद्र राठौड़, ऐसे में उन्होंने सबके बारे में आते आते राजेंद्र राठौड़ के बारे में कहने लगी कि जब मैं यहाँ आई तो एक आवाज़ मुझे सुनी सुनी सी लगने लगी। वो आवाज़ थी राजेंद्र राठौड़ की, जो बिरला सभागार के अंदर मंच का संचालन कर रहे थे। लेकिन इस पूरे भाषण के अंदर वसुंधरा राज की दो बात सबसे ज़्यादा चर्चा में है। एक तो वसुंधरा राज ने जो है वो राज्यपाल के बारे में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब महारानी को ये लगने लगा है कि जो राजनीति यहाँ तक आगे बढ़ चुकी है, अब इससे आगे ही बढ़ना पड़ेगा, अब पीछे अगर मुड़ के देखेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए शायद महारानी अब राज्यपाल पद के लिए मान चुकी हैं। और दूसरी जो उन्होंने तंज कसे हैं, खरी खरी उन्होंने सुनाई हैं, उस बात को लेकर चर्चा होने लगी है और पीतल की लौंग और सर्राफ वाले बयान की सबसे ज़्यादा चर्चा होने लगी है। देखना ये होगा कि अब महारानी का आगे का भविष्य क्या होगा। क्या राज्यपाल के बारे में वो इतनी बातें बता रही थी कि ये छोटा पद नहीं है, ये रबर स्टैम्प नहीं है, कितनी बड़ी पावर जो है वो राज्यपाल के पास होती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राज सिंधिया, वो राज्यपाल बनकर राज्यपाल के पद से संतुष्ट हो जाएं। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।